मॉर्निंग बच्चों, आज हम लोगों का दूसरा ऑनलाइन क्लास हिंदी का है, जिसमें आज हम लोग हिंदी वर्णमाला के कुछ अक्षरों को पहचानेंगे भी और उसके बारे में जानेंगे भी। तो क्या आप लोग तैयार हैं? चलिए हम लोग आज शुरू करते हैं हिंदी वर्णमाला के अक्षरों की पहचान। ये है हिंदी वर्णमाला का पहला अक्षर अ। क्या है बच्चों ये? अ। अ से क्या बनता है? अनार। अ से बनता है अनार। अ से बनता है अजगर। अ से बनता है अदरक। ठीक है बच्चों, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आ। क्या पढ़ेंगे? आ। आ से क्या बनता है? आम। आम को क्या कहते हैं हम लोग? आम फलों का राजा है, आम फलों का राजा भी कहलाता है। आ से बनता है आम। आ से बनता है आग। आ से बनता है आर्ट। आ से क्या बनता है? आर्ट, आग और आम। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ेंगे अब हम लोग। ये है हर्षई। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? हर्षई। हर्षई से क्या बनता है? इत्र। हर्षई से बनता है इत्र। हर्षई से बनता है इमरती। हर्षई से क्या बनता है? इमरती। और हर्षई से बनता है इमली, जो कि खट्टी मीठी भी होती है और चुलबुली भी होती है, इमली। इमली ठीक है। हर्षई से क्या बनता है? इमली। हर्षई से बनता है इत्र और हर्षई से बनता है इमरती। ठीक है बच्चों, अब हम आगे बढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे हम लोग। ये है दुर्गई। क्या है ये? दुर्गई। दुर्गई से क्या बनता है बच्चों? दुर्गई से बनता है इक। इक को हम लोग क्या बोलते हैं? गन्ना भी बोलते हैं। गन्ने के रस से क्या बनता है? गुड़ भी बनता है और चीनी भी बनता है ना। चीनी मीठा चीज तो आप लोगों को बहुत पसंद है। तो दुर्गई से क्या बनता है? इक। दुर्गई से बनता है ईंट। ईंट से क्या बनाते हैं हम लोग? मकान बनाते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ईंट। और दुर्गई से बनता है क्या? ईद, जो कि हम लोग मनाते भी हैं ईद। अभी रमजान का महीना चल रहा है, उसके बाद सभी बच्चे, कुछ बच्चे ईद भी मनाएंगे। ईद में नए नए कपड़े पहनेंगे, एक दूसरे से भाईचारा का संदेश भी पहुंचाएंगे एक दूसरे को। ठीक है बच्चों, तो आज हम लोग क्या पढ़े? औ आ हरसई दुर्गई। औ से बनता है अनार। औ से बनता है अदरक। औ से बनता है अजगर। फिर आ से बनता है आम। आ से बनता है आग। आ से बनता है आर। हरसई से बनता है इत्र। हरसई से बनता है इमरती। हरसई से बनती है इमली। दुर्गई से बनता है ईट। दुर्गई से बनता है ईट। और दुर्गई से बनता है ईट। ठीक है बच्चों, आज के लिए आपको इतना ही जानना जरूरी था। आगे फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में आगे का वर्णमाला पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, बाय।